हेलो दोस्तों, दिस इज़ गुरदीप सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडिंग स्मैश की और जंप स्मैश की। उसकी क्या स्टेज ऑफ ट्रेनिंग है, उसकी ग्राउंड एक्सरसाइज कौन सी है, कौन सा स्टेप आपने आगे लेना है, उसके बाद कौन सा पैर आगे रहेगा, कौन सा पैर पीछे रहेगा, पैर की मूवमेंट कैसे होगी और हाथ की मूवमेंट कैसे होगी, कंप्लीट इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं स्मैश। हम इसको टू पार्ट में सीखेंगे। एक तो आपका नॉर्मल स्मैश हो गया, जहाँ स्टैंडिंग पोजिशन में जो हम स्मैश बोलते हैं वो हो गया, और दूसरा आपको मैं सिखाऊंगा जंप स्मैश कैसे मारते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मल स्मैश, या जिसको हम बोल सकते हैं स्टैंडिंग पोजिशन में स्मैश ऑन द स्पॉट, एक ही जगह पे आप गोल आ गया उसके बाद आपको स्मैश मारना है। वो कैसे मारते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप स्मैश मारते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शटल कोक जब आपके पास आएगी, उधर से आपका ओपोनेंट आपको शटल कोक जो है रिवर्स टॉस करके देगा स्मैश के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शटल कोक जो है आपके बॉडी के थोड़ा सा आगे की तरफ होना चाहिए। मान लीजिए मेरा बिल्कुल स्ट्रेट, आप ये देखिए, ये बिल्कुल मेरा स्ट्रेट है, सीधा सिर के ऊपर से शटल कोक अगर यहाँ रहेगी तो आप इतने आसानी से शटल कोक को जज नहीं कर पाओगे और स्मैश नहीं लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल आपके सिर के ऊपर रहेगा। तो अगर शटल कोक यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ रहेगा यहाँ पे, तो आप आराम से उसको देख के फुल स्मैश मार सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपका शटल कोक का पोजीशन जो है वो बॉडी के आपके बॉडी से थोड़ा सा आगे, आप एक फिट मान के चलिए यहाँ से सीधा यहाँ पे होना चाहिए, तब ही आप अच्छी स्मैश मार पाओगे, फुल पावर जनरेट कर पाओगे। अगर फुल पावर आपने जनरेट करना है तो आपका जो शटल कोक है वो आगे की तरफ यहाँ पे होना चाहिए, ना कि पीछे। अगर पीछे रहेगा तो आप नहीं मार पाओगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ आपका ग्रिप, जो आपका बेसिक ग्रिप रहता है, ये आपका उंगली थोड़ी सी अंगूठे से ऊपर रहेगी और इस तरीके से, जैसे फर्स्ट में हमने पिछली वीडियो में सीखा था ग्रिप कैसे पकड़ते हैं, वो ग्रिप रहेगा आपका। और आपने शटल कोक को पहले जज करना है, उसके बाद उसका प्रॉपर उसको आगे की तरफ रखते हुए आपने इस हाथ को ऊपर करना है और लेफ्ट वाले पाँव को आगे की तरफ रखना है, और ये हाथ आपका ऊपर रहेगा और आपने फुल स्पीड के साथ शटल कोक को हिट करना है। जब आप शटल कोक को हिट करते हो तो ध्यान रखें कि सबसे पहले आपका लेफ्ट वाला हाथ ऊपर जाएगा, रैकेट हल्का सा ऊपर जाएगा, ये देखो लाइक दिस। उसके बाद एल्बो आपकी ऊपर जाएगी, एल्बो ऊपर जाने के बाद उसके बाद मैक्सिमम ऊपर आपने शटल कोक को पकड़ना है, यहाँ से ये होगा। अगर आप आर्म्स बेंड करके मारोगे तो आप एक तो फुल पावर जनरेट नहीं कर पाओगे, उसके बाद आप शटल कोक को डीप नहीं मार पाओगे। अगर आप ऐसे मारोगे शटल कोक जो है फ्लैट जाएगी लाइक दिस, तो वो आउट भी जा सकती है, वो इजिली जो आपका ओपोनेंट है उसको पिक भी कर लेगा। तो आपने क्या ध्यान रखना है, जब आप शटल कोक को हिट करने वाले हो, सबसे पहले लेफ्ट वाला पाव आपका आगे जाएगा, सिंपल बात, आपका लेफ्ट वाला हाथ ऊपर आएगा, उसके बाद जब आपने मारना है पहले ऊपर एल्बो जाएगा, उसके बाद देखो बॉडी मेरा राइट वाला पैर आपको थोड़ा ध्यान देना, राइट वाले पैर के ऊपर जैसे आप स्मैश मारोगे तो टो इधर जाएगा, जो आपका बैलेंस है वेट है वो आगे की तरफ जाएगा, उसके बाद ये हाथ डाउन होगा, ये वाला हाथ लेफ्ट वाला डाउन होगा, एल्बो ऊपर जाएगी, उसके बाद स्मैश लगेगी और फॉलो थ्रो, रैकेट आपका इस तरफ आएगा, ये देखिए, ये एल्बो ऊपर, ये देखिए पैर का मूवमेंट देखिए आप मेरा। अभी लेफ्ट वाले हाथ का हमारा क्या काम है, इसको ऊपर क्यों करना है, ये भी एक क्वेश्चन मन में आता है। इससे क्या होगा, फोर्स जनरेट करने में मदद मिलती है। आपने हाथ ऊपर कर लिया, जितनी स्पीड से आप इसको नीचे लेके जाओगे उतनी स्पीड से आपकी स्मैश लगेगी, ये आपको फोर्स देने में मदद करेगा, इस हाथ को राइट वाले हाथ को ये फोर्स देगा, जैसे हाथ नीचे जाएगा ये और फोर्स मारेगा। अगर आप इस हाथ को नीचे रखते हो ऐसे मारने की कोशिश करोगे तो आपका फोर्सफुल फोर्स जनरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपने बॉडी बैलेंस आगे रखना है हल्का सा। जैसे आपके पास शटल कोक आती है हाथ ऊपर करना है, बॉडी वेट को पीछे लेके जाना है, पहले हाथ को इसको नीचे लेना है, लेफ्ट वाले को नीचे लेना है, उसके बाद स्मैश मार लाइक दिस। और अगर आप चाहते हो कि मेरी स्मैश जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी होनी चाहिए कि फुल पावर जनरेट होनी चाहिए, तो बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू।
करना क्या है और कब करना है और कैसे करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सिंपली आप पहले ड्राई रिहर्सल करिए, ड्राई मतलब जिसको ग्राउंड एक्सरसाइज हम बोलते हैं, शटल कोक लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली खड़े हो जाइए ऐसे, हल्का सा लेफ्ट वाले पैर को आगे कर लीजिए, ठीक है। आपका बॉडी वेट जो है थोड़ा सा लेफ्ट वाले पाँव के ऊपर रख दीजिए, हाथ ऊपर लीजिए और रैकेट ऊपर लीजिए लाइक दिस। उसके बाद जो आपका राइट वाला पैर है उसकी हील को नीचे डाउन करिए और जो लेफ्ट वाले पैर की टो है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाइए, रोटेट करिए, लेफ्ट साइड रोटेट करिए, बॉडी पोजिशन लीजिए, हाथ को लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर करिए। उसके बाद सेम जो आपकी फर्स्ट पोजिशन है उसमें आना है, उसके बाद पैर को रोटेट करते हुए लेफ्ट वाले हाथ को नीचे करते हुए शटल कोक को मारना है, उसके बाद फॉलो थ्रो, रैकेट आपका इस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप फॉलो थ्रो नहीं करेंगे तो आप स्मैश मारोगे तो यहाँ रोकोगे तो फुल फोर्स नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए फुल फोर्स देने के लिए हमें फॉलो थ्रू जरूरी है। ये आया ऊपर, ये आया ऊपर, एल्बो ऊपर, उसके बाद हिट, ये पीछे हिट। उसके बाद एक चीज़ आप और भी अच्छी कर सकते हो जो आपको इसमें स्मैश में बहुत हेल्प देने वाली है, आप शटल को कहीं हैंग करिए, आप हाथ ऊपर कर लीजिए। अभी ये जो किनारा है, नोट किनारा, सेंटर पार्ट ऑफ द रैकेट, बिल्कुल सेंटर में वहाँ पे शटल कोक को बांधिए, ऐसे यहाँ पे ऊपर बांधिए। शटल कोक रैकेट के साथ नहीं बांधनी है, आप किसी धागे के साथ कहीं भी, आप कोई भी डोरी ले लीजिए उसके साथ उसको हैंग करिए और उसको लगातार आप पहले पोजीशन बनाइए। पोजीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आकर अगर आपकी पोजीशन सही नहीं होगी आप शटल कोक को फोर्स नहीं दे पाओगे। आप ऊपर हैंग कर लिया उसको, थोड़ा सा उसको आगे की तरफ रखिए, यहाँ पे अभी लेफ्ट वाला पाँव हल्का सा आगे, पूरा वेट लेफ्ट वाले पाँव के ऊपर, राइट वाले पाँव का जो है टो ऊपर लगाइए, टो के ऊपर हो जाइए, ऐसे टो लगाइए, लेफ्ट वाले हाथ को आगे करिए और ये रैकेट ऊपर रखिए। उसके बाद पीछे बैलेंस आप लेके जाइए बॉडी का, देखो दोबारा इधर से देखो, आपको इजीली पता चलेगा, ये देखो ये बनाया, उसके बाद ये लीजिए उसको और हाथ को इसको नीचे करना है, बॉडी को ट्विस्ट करना है, एल्बो को ऊपर लेना है, स्मैश मारना है, ये लाइक दिस, ये यहाँ शटल कोक होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए और पीछे भी नहीं होना चाहिए, याद है, ज़्यादा भी आगे होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हल्का सा आप एक फिट मान लीजिए, एक फिट शटल कोक आपकी आगे रहनी चाहिए, यहाँ हिट होगा शटल कोक, यहाँ से ये के बाद ये हाथ को जितना आप सीधा करके मारोगे, मतलब यहाँ से एल्बो आपकी बेंड रहेगी, यहाँ भी बेंड रहेगी, यहाँ से मारना, ये उससे क्या होगा, फोर्स ज़्यादा मिलेगी ये, और आप डीप मार पाओगे, रैकेट जो आपका नेट है उसके डीप मार पाओगे। अगर आप बहुत पीछे मारोगे, कि जनरली होता क्या है कि अगर वहाँ से कोई शॉट मारता है स्पीड से, अगर उसका शॉट यहाँ इस लेवल में आ रहा है तो शटल कोक हमारे तक पहुँचते पहुँचते स्लो हो जाती है, अगर वो जितना डीप मारेगा उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर आपको लगता है और ज़्यादा डीप मारना है तो सबसे बेस्ट शॉट है जंप शॉट, तो जंप शॉट आपको मैं नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में नेक्स्ट में अभी समझाऊंगा, पहले आप नॉर्मल जो शॉट है उसको सीख लीजिए। ऑन द स्पॉट स्टैंडिंग में हम लोगों ने स्मैश कैसे मारना है और उसको पावर जनरेट कैसे करना है। ओके, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल एक जगह खड़े हो जाइए और आराम से अकेले ही इस चीज़ को सीख सकते हो। किसी को आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्टनर की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इसको सीख सकते हैं। आप शटल कोक को लीजिए, इसको ऊपर मारिए ऐसे, बैलेंस बनाइए, उसके बाद स्मैश करिए, दोबारा देखिए, आप आराम से इसको टॉस करिए पहले, जब तक शटल कोक आपकी सही पोजीशन पे नहीं आ जाती तब तक शॉट मत मारिए, तब तक शॉट नहीं मारना आपने। जब आपको लगता है कि मेरी शटल कोक है जो मेरे रडार में आ गई है तब ही आपने शॉट मारना है। अगर शटल कोक लेफ्ट राइट जा रही है मैच के दौरान तो शटल कोक आपके पास तो आएगी नहीं, आपको उसके नीचे जाके पोजीशन बना के शॉट मारना पड़ेगा। तो ये आपको जनरली मैं बता रहा हूँ, अगर आप अकेले हो तो आप पहले शटल कोक को आराम से सेट करिए, सीखिए, शॉट मारिए, उसके बाद उसको मैच में अप्लाई करिए, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ये देखिए ये गया, उसको सीधा लीजिए, नहीं जा रहा है फिर ऊपर लीजिए, उसके बाद स्मैश मारिए, सिंपल।
कोई इसमें ज़्यादा गहरा फार्मूला नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आएगा, आराम से आप सीख सकते हो। ओके, वन मोर टाइम एक बार फिर देखिए, शटल को ऊपर लीजिए आप, ये देखिए शॉट मारे, बात ये शॉट। ओके, अभी हम सीखेंगे कि जंप स्मैश कैसे मारी जाती है। तो जंप स्मैश के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको ग्राउंड एक्सरसाइज है वो करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जंप लेके स्मैश बिना शटल को के मारना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ, तो आपने क्या करना है, शटल को ऊपर देखना है कि शटल मेरी कहाँ है, सिर्फ इमेजिन करना है, जंप करना है और स्मैश करना है। ठीक है, दोबारा देखिए, यहाँ से एक स्टेप आगे लेना है फिर जंप करना है। खड़े खड़े जंप करोगे तो आप परफेक्ट जंप नहीं कर पाओगे। शटल को आगे देखिए, पहले यहाँ पे शटल को आ रही है, एक स्टेप आगे लेके ऐसे, उसके बाद आपने ऊपर उठना है। दोबारा देखिए, यहाँ से एक स्टेप आगे जंप स्मैश, बस कंटिन्यूसली आप ये एक्सरसाइज करिए, ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। देखिए स्मैश, अभी मैं आपको जंप स्मैश करके दिखाता हूँ। सेम, कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है, शटल को ऊपर फेंकिए, वो जैसे ही आपके रिडार में आएगी जंप करिए, उसको देखिए और स्मैश मारिए। स्मैश मारने का फॉर्मूला वही है, आपके ऊपर एल्बो जाएगी स्मैश होगा, एल्बो जाएगी स्मैश होगा, इस बात का ध्यान रखिए। ये देखिए, शटल को ऊपर मारा, उसको मैं रडार में लिया, स्मैश, ऐसे ऊपर आ गई जंप। बस इसी की आप प्रैक्टिस करते रहिए, दोबारा उसको ऊपर ले, रडार में आ गई स्मैश। तो आप इसकी अगर ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं इसमें, थोड़ा सा आपका जंप होना चाहिए और बेसिक जो आपको फर्स्ट स्टैंडिंग पोजीशन में मैंने बताया था, बिल्कुल आपका बेसिक सही होना चाहिए। जंप के बाद भी सेम चीज़ ही आपने करनी है। उसके बाद आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप शटल को हैंग करिए ऊपर, आप कहाँ तक जंप कर सकते हैं, जंप करके रैकेट को जजमेंट लीजिए, वहाँ शटल को बांधिए, पीछे आइए, एक स्टेप आगे लीजिए, स्मैश करिए, फिर पीछे आइए, एक स्टेप आगे, जंप स्मैश। बस मात्र 10 दिन में आपका स्मैश सुधरना शुरू हो जाएगा, आप अच्छे से स्मैश कर पाएंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पक्का दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए और नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं। थैंक यू सो मच।